अक्षय कुमार का करियर खत्म, हिंदी फिल्म जगत को लगाया 1000 करोड़ का चूना। दोस्तों आपको बता दें, अक्षय कुमार के लिए साल 2022 बेहद ही खराब रहा है। इस साल उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं बैक टू बैक एक एक कर सभी फ्लॉप रहीं। कोविड से पहले अक्की हिंदी फिल्मों के सबसे ज़्यादा हिट देने वाले स्टार थे, वहीं कोविड के बाद वे हिंदी फिल्मों के सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्म देने वाले स्टार बन गए हैं। आपको बता दें, बच्चन पांडे 2022 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की पहली फिल्म। बच्चन पांडे अभिनेता और मेकर्स को इससे काफ़ी उम्मीदें थी, हालांकि ये फिल्म दोनों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। साउथ वर्सेस बॉलीवुड की लहर के बीच अक्षय कुमार की ये फिल्म चक्की में घुन की तरह पिस गई और इस साल की अक्षय कुमार की पहली फ्लॉप साबित हुई। इसका बजट 165 करोड़ था और टोटल कलेक्शन 68 करोड़ ही हो पाया। वहीं दूसरे नंबर पर सम्राट पृथ्वीराज रही। इस फिल्म के बाद अभिनेता ने महान शासक सम्राट पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित फिल्म पृथ्वीराज के जरिए दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश की। हालांकि अभिनेता की ये कोशिश भी नाकामयाब रही और लोगों ने इस फिल्म को भी दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। आखिरकार लाख कोशिश के बाद भी अक्षय की ये फिल्म इस साल की दूसरी फिल्म साबित हुई, जिसका बजट 175 करोड़ था और इसका कलेक्शन कुल 65 करोड़ हो सका। वहीं आपको बता दें, रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म रक्षाबंधन भी फ्लॉप रही। भाई बहन के रिश्ते पर बनी इस फिल्म को दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। शुरुआत से ही धीमी रफ्तार से कलेक्शन कर रही ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसका बजट 100 करोड़ था और कलेक्शन 54 करोड़ ही हो पाया। वहीं कठपुतली अगस्त 2022 तक अक्की 3 फ्लॉप फिल्म दे चुके थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी साल की चौथी फिल्म कठपुतली को सिनेमाघरों के बजाय सीधे OTT पर रिलीज कराया। यहां भी खिलाड़ी कुमार को असफलता ही हाथ लगी। कठपुतली वैसे तो एक ठीक ठाक फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म सिनेमाघरों में 30 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई, क्योंकि ये तमिल सिनेमा की सुपरहिट फिल्म रथ शासन का रीमेक थी। कठपुतली रथ शासन को ढंग से कॉपी भी नहीं कर पाई। इसका बजट 130 करोड़ था और इसका कुल कलेक्शन 30 करोड़ भी नहीं निकल सका। वहीं अगली फिल्म राम सेतु लगातार 4 असफल फिल्म देने के बाद अक्षय कुमार को राम सेतु फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें यहां भी निराशा हाथ लगी। पब्लिक ने इस फिल्म को भी सिरे से नकार दिया। राम सेतु का बजट 150 करोड़ का था और इसका कुल कलेक्शन 61 करोड़ ही कर पाई।